तो जो ट्रेलर जब इसका सामने आया तो उस पर बहुत एतराज हुआ, ऑब्जेक्शन हुआ। अब जो पॉपुलेशन है वो तो सबके सामने है, लेकिन लोगों ने जिनको एतराज है उन्होंने एक सवाल उठाया, वो सवाल ये उठाया कि जो पॉपुलेशन की जो समस्या है, ट्रेलर नहीं टीजर था, 1 मिनट का टीजर था, जो भी जारी हुआ उसमें ऑब्जेक्शन बहुत हुआ, लेकिन सवाल ये है कि जो जनसंख्या का मुद्दा है जिस पर आपने फिल्म बनाई है, तो लोगों के मन में ये सवाल है कि आपने एक वर्ग विशेष को रख करके कि सिर्फ पॉपुलेशन के लिए यही लोग जिम्मेदार हैं, ऐसा क्या है कि इसमें कितना आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं अनु कपूर साहब से सवाल कर रहा हूँ। मैं इस फिल्म में एक रोल कर रहा हूँ, ना तो मैं इस फिल्म का प्रोड्यूसर हूँ और ना ही मैं इस फिल्म का डायरेक्टर हूँ। हमारे चारों प्रोड्यूसर बैठे हुए हैं, सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट में श्री वीरेंद्र भगत हैं, उसके बाद श्री रवि गुप्ता हैं, श्री बालक सिंह जी हैं और संजय नागपाल जी। नहीं, ये चार प्रोड्यूसर आपने जी, और ये कमल कमल ठीक है। सो मैं आपके प्रश्न का उत्तर ये लोग ज्यादा दे पाएंगे। फिल्म देखता हूँ ना, टीवी देखता हूँ ना, टीजर देखता हूँ ना, ट्रेलर देखता हूँ ना, न्यूज चैनल देखता हूँ ना, न्यूज पेपर ज्यादा बड़ा आपको गधा कोई नहीं मिले। स्टे ऑर्डर रिमूव कर दिया है और 21 जून यानी कि कल फ्राइडे के दिन ये फिल्म रिलीज हो रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड और मैटर हैज बीन सॉल्व्ड बिटवीन द पेटिशनर एंड द रिस्पोंडेंट। चलिए आगे बढ़े। माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। हमारे लास्ट में जो सब टाइटल आता उसमें लिखा था कि अनु कपूर कंपोज बाय अनिल कपूर, तो आपने कुछ कंपोजिशन किया इस गाने में, इस फिल्म में? आपने फिल्म देखी है? हाँ, कल देखी मुझे। तो सरकमस्टेंसेस कुछ ऐसे बन गए थे के हमारे प्रोड्यूसर्स ये जो चार फोर मस्केटियर्स हैं, ये लड़ाके हैं और इनके डिटर्मिनेशन को, वीरेंद्र भगत के डिटर्मिनेशन को, संजय नागपाल, शिव बालक सिंह और रवि गुप्ता के डिटर्मिनेशन, ये अपने इरादे के इतने पक्के हैं, किसी से सपोर्ट न मिलने के बावजूद ये अपने दृढ़ निश्चय पर टिके रहे। तो प्रॉब्लम तो राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आई, तो सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए कि उन सर्कमस्टेंसेस ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं अपने प्रोड्यूसर्स और अपने डायरेक्टर के आदेश के ऊपर मैं इस फिल्म का म्यूजिक कंपोज करूं। गड़बड़ हो रही थी वापस, इसलिए सब कुछ मजबूरी में करना पड़ा और उल्टा करना पड़ा। वहां पे कंपोज किया और उसके बाद उसके ब्लूटूथ से अटैच करके उसके ऊपर लिपसिंग किया। आप सब फिल्म से अच्छी तरह से वाकिफ है, फिल्म मेकिंग से, कि फिल्म मेकिंग में जब भी कोई गाना शूट होता है तो पहले रिकॉर्ड किया जाता है, उसके बाद सेट के ऊपर एक्टर लिपसिंग करता है, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ। तो ये हो गया, तीन कव्वालियाँ हैं, एक और सॉन्ग है वो कंपोज किया है, रोमांटिक सॉन्ग है। तीन कव्वालियाँ जो हैं वो म्यूजिक डायरेक्शन मेरा है। तो जो लिखा जो कविता है फर्स्ट टू जो है उसमें सूफी खान साहब भी शामिल हैं, एक बंद इन्होंने लिखा है, और जो नातिया कलाम है, नातिया कलाम तो वो कब आता है, नातिया कलाम मेरे मुस्तफ़ा, तो वो नातिया कलाम वो रचना होती है, वो प्रशस्ति होती है, वो कसीदे होते हैं जो प्रॉफिट और नबी की शान में जो पढ़ा जाता है। तो वो लिखा भी मैंने और कंपोज भी किया है, और अगेन सिचुएशन ऐसी आ गई कि मुझे फाइनली वो गाना भी पड़ा, जबकि मैं इसके बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ, लेकिन मेरे हाथ इतने बन चुके थे और ये चारों मुझ पे इतना प्रेशर डाल रहे थे। मैंने 3-4-5 लोगों को ट्राई किया, आनंद शर्मा जी ने म्यूजिक अरेंज किया है, तो इस तरह से ये फिल्म बनी, बहुत जद्दोजहद के बाद बनी। और बाकी तो किन सर्कमस्टेंसेस से गुजर के कहाँ फंसी है उससे आप कर सवाल। तो मेरा मतलब ये था आपको अभी कंपोजिशन भी करनी पड़ेगी आगे चल के और गाना भी पड़ेगा। तो सर देखिए, सर बात ऐसी है कि मैं तो मजबूरी के अंदर इस लाइन में आया हूँ, इस लाइन में मेरा कोई पैशन नहीं है, कोई हॉबी नहीं थी,
मेरा तो बहुत अच्छा एकेडमिक करियर था सर, अगर मेरे माँ बाप गरीब नहीं होते, थोड़ा पैसा आगे पढ़ा देते तो मैं आईएएस वाईएएस कहीं बनता। मैं मजबूरी में इस लाइन में आया, लेकिन मजबूरी में आया कि पैशन से आया, किसी भी मैं अपना काम ईमानदारी और मेहनत के साथ करता हूँ। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जब मैं आया होंगे तब शायद बहुत छोटे होंगे या पैदा भी नहीं होंगे, अभी 42 ईयर्स हो गए, लेकिन मैंने अपने दामन पे कोई हर किसी के सामने फैला नहीं, हर किसी के सामने फैला नहीं, इसलिए दामन मेरा मैला नहीं। ये 600 स्क्रीन पे रिलीज हो रही है अभी स्टार्टिंग में, और बाकी आप लोग ऑडियंस जैसे ही इसकी व्यू देगी दिखती जाएगी और स्क्रीन बढ़ता जाएगा। हेलो हेलो, यहाँ पर सामने मेरा सवाल अनुज जी से नहीं है बल्कि डायरेक्टर से है और चार प्रोड्यूसर से है। सर, हम ये पिक्चर लोग क्यों देखना चाहेंगे और इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, पहली बात तो ये फिल्म बात करती है पॉपुलेशन के मुद्दे की, ये एक नारी की आवाज़ की बात करती है, जो जो औरत जो एक नारी है जो कुछ बोल नहीं पाती है, कुछ उसकी हसरतें अंदर ही रह जाती है लेकिन वो कुछ बोलना चाहती है, उसके दर्द को बताती है, एजुकेशन के मुद्दे को बताती है। और मेरे हिसाब से ज़्यादातर मैं कहूँगा तो जो हमारे समाज में नारी को बोलते हैं कि बराबरी का स्थान मिल गया है, सब लोग कहते हैं, लेकिन कोई दिल पर हाथ रख के बताए क्या ऐसा है कि हम बराबरी का नाता समझते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर सुबह की अगर चाय बनाने की बात आती है, आज भी सुबह उठ के औरत ही चाय बनाती है, आदमी मुझे लगता है 10 में से 9 घर में तो औरत ही चाय बनाती है, तो उसकी बराबरी की बात करती है, फिर उसके सम्मान की बात करती है, उसके हक की बात करती है। ये फिल्म उसी मुद्दे की है और ये फिल्म लोअर मिडिल क्लास फैमिली की फिल्म है, की हमने फैमिली लिया हुआ है फिल्म की। और आज की रेट में हर जगह, आज की रेट में आप देखिए हर लोअर क्लास मिडिल फैमिली में हालत वैसी है जो हमारे हमने हमने हमारे फिल्म में दिखाया हुआ है। फिल्म में दिखाया हुआ है वो एक फैमिली की कहानी है जो हर जगह हो रहा है। इनफैक्ट आपको पता होगा, इनफैक्ट सबके गांव में विलेजेस में चीज़ें हो रही है जो हमने फिल्म में दिखाया हुआ, रियल चीज़ दिखाया हुआ। आप लोग देखेंगे तो आइडिया होगा क्या फिल्म है, कैसी है और क्या है। आइडिया हमें राइटर लेके आते हैं हमारे पास में, हमारे पास में राजन अग्रवाल जी बैठे हैं, इन्होंने स्टोरी लिखी है और इनकी स्टोरी जब रवि गुप्ता जी के पास आई तो स्टोरी को सुनकर के हमें लगा कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ अच्छा काम जरूर किया जाना चाहिए। और एक बात और बताना चाहूँगा, जैसे बताया कि स्त्री का शोषण होता है तो नहीं होना चाहिए, पॉपुलेशन अवेयरनेस के लिए है। हमारे परिवार में अगर 2 बच्चे होंगे तो हम उनको अच्छा खाना दे सकते हैं, अच्छा कपड़ा दे सकते हैं, अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, लेकिन आज कई ऐसे भी घर देखे हैं जिनके इतने बच्चे हैं कि उनको बच्चों का नाम भी याद नहीं रहता। हमने जब ये फिल्म का पोस्टर रिलीज किया था, वीरेंद्र भैया आप जानते हैं क्योंकि आप थे वहां, 5 अगस्त 2022 को हमने इसका पोस्टर रिलीज किया था, तो उसको स्लोगन लगा था कि बहुत जल्द हम चीन को पीछे छोड़ देंगे, लेकिन आज अनुसर हम लोग चीन को पीछे छोड़ चुके हैं, तो ये बहुत गंभीर समस्या है, बहुत ज्यादा गंभीर समस्या है। इसके जो डायलॉग्स राइटर्स हैं, जज साहब जब कल क्वेश्चन मार्क हो रही थी तो इन्होंने कुछ जवाब भी दिया था, सूफी खान साहब जिन्होंने डायलॉग लिखा है। और इसमें से मैं पूछना चाहूंगा कि कल हम लोगों ने मीडिया सो रखा था तो कुछ लोग हैं जो फिल्म देखकर आए थे, कितने लोगों ने मैंने सूफी से पूछा भी था, मैं फिल्म के ऊपर देख के हम लोग काफी लोग यहाँ पे देख चुके हैं फिल्म, कभी कभी ऐसा लगा कि नो लॉट ऑफ वो डायलॉग जिसने बोला तुमको अल्लाह ऊपर 3-4 बार आता है, दैट इज द ओनली आई फेल्ट। मैं आपको बता दूं, जैसे हम जय श्री राम बोलते हैं तो वो मन की आवाज है, जब आपको लगता है आप जय श्री राम बोलते हैं उसमें कॉन्टेक्स्ट की भी जरूरत नहीं है, तो हमारी फिल्म में तो कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है, जब भी यूज हुआ है अल्लाह अकबर तो कोई भी ऐसे नहीं बोला गया कि आप बोल दो, कॉन्टेक्स्ट में बोला गया। जब ऐसी कोई बात हो रही है जहाँ अल्लाह को या खुदा को हाजिर नाजिर करने वाली बात है, इसलिए वहाँ पे अल्लाह अकबर बोला। Did you feel कि जब कोर्ट ने भी और सेंसर ने भी सर्टेन डायलॉग्स को काटने बोला तो वो फर्क पड़ा है as a writer, how do you feel about it? बहुत बुरा लगता है, बिल्कुल बुरा लगता है, क्योंकि
आप ऐसा नहीं लिख रहे होते सेंसेशनल बनाने के लिए, कोई डायलॉग नहीं लिख रहे होते हो, या आपको अपने आप को साबित करने के लिए कहानी के साथ जो जस्टिफाई डायलॉग थे वो लिखे गए? और मैं आपको ये भी बता दूँ कि जज साहब, जो हमारे माननीय जज साहब ने फिल्म की तारीफ की, ना सिर्फ तारीफ करी, उन्होंने एक बात कही कि ये वो फिल्म नहीं है जिसका दिमाग आप घर पे रख कर जाए, ये फिल्म आपको सोचने पर मजबूर करती है, थिंकिंग। तो उसी के हिसाब से डायलॉग लिखे गए, तो कहीं भी हमने एग्जैजरेट करने की कोशिश कहीं भी नहीं कही। आप लोगों ने फिल्म देखी तो आप लोग बेहतर जानते हैं। और देखिए तो ये बेसिकली क्या था कि आप सेंसर बोर्ड की बात करें कि काटी थी, सेंसर बोर्ड की 3 कमेटी ने इस फिल्म को पास किया था। पहली कमेटी में कल कोर्ट में भी बात कही गई कि 6 लोग थे, दूसरी कमेटी में 8 लोग थे, और तीसरी कमेटी जो था वो हाईकोर्ट ने अपॉइंट किया था, और उसमें 3 लोगों ने देखा जिसमें एक मुस्लिम बैकग्राउंड से भी लोग थे, उन्होंने भी ये बात कही। और जो पेटिशनर थे, और भी एक पेटिशनर तो थे ही, उसके साथ 3-4 पेटिशनर और ऐड हो गए, उन्होंने एक ही बात कही कि ये फिल्म टीजर ऐसा है, ये सिर्फ ऐसा है। तो जज साहब ने एक ही बात कही कि देखो ये फिल्म मैंने देखी है, और ये फिल्म महिला सशक्तिकरण की, महिला की आवाज़ उठाने की, महिला के बारे में बताने की, तो ये फिल्म उसको दर्शाती है। जी, मैं इसमें ये कहना चाहूँगी कि जो मैंने शाजी का कैरेक्टर किया है वो ये दर्शाता है कि कोई भी फैमिली अगर उतने बच्चे करे जितने पालने के लिए वो सक्षम है, तो उनको वो एक बहुत बेहतर लाइफ प्रोवाइड करवा सकते हैं, और हर फैमिली के लिए बेटर होगा, हर कंट्री के लिए बेटर होगा। ये गलत नहीं है कि आप एक बच्चा कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं कि 3, बात यह है कि आप कितनों को पाल सकते हैं, कितनों को सही से पालने की आपके पास रिसोर्सेज हैं, वो मैटर करता है। तो अगर आप अच्छे से पाल सकते हैं, एक अच्छी तालीम दे सकते हैं, तो ज़रूर बच्चा करें। तो वही शाजिया का कैरेक्टर मेरा पोर्ट्रे करवाता है कि मेरे जो अबू हैं उन्होंने एक बच्चा किया जिनको पालने के लिए उनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज थी, तो उनको वो एक अच्छी अपब्रिंगिंग दे पाए हैं। शाजिया अपनी लाइफ में खुश है, वो पढ़ी लिखी है, कॉलेज में ट्रिप्स पे जाती है, वेरस यही 12 बच्चे अपनी लाइफ में दुखी हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, बिकॉज उनके पेरेंट्स के पास रिसोर्सेज उतनी नहीं थी कि वो आगे जाके उनको एक अच्छी लाइफ दे पाएँ। सो द मूवी इज पोर्ट्रेइंग कि आप उतने बच्चे करें, उतना ही परिवार बनाएं जिनको आप अच्छे से पाल पाएँ। बहुत सोशल मैसेज है, विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है, और बहुत ही अच्छी मूवी है। आप जब सब देखेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी। मेरा एक सवाल था, खाली एक ही कम्युनिटी के ऊपर मान है तो प्रॉब्लम क्या है? मैं खुद प्रॉब्लम की बात नहीं, आपने ऐसी बात आपको बता, प्रॉब्लम ये है कि एक ही कम्युनिटी होगी, और कम्युनिटी के ऊपर तो मूवी नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है सर? नहीं नहीं सर, संजय लीला बंसाली भी बनाते हैं, बट वो किसी कम्युनिटी को डिमोनेटाइज एज अ डिमोनेटाइज नहीं गिराते हैं, डोमिनेट नहीं करते हैं। जिस तरह से अभी आपने जिस तरह मेंशन किया सर कि सेंसेशन नहीं बनाना है, आपने जो टीजर रिलीज किया था जिस वजह से हाईकोर्ट ने आपको जो कट करने क्या पार्ट जो कट करने के लिए कहा गया है आपको, वो आपने पार्ट कट किया राइट। जो टीजर था पहले जो आपने बताया था, वो टीजर में आपने आधी आयत को क्या कह सकते ट्रांसलेट कराकर यू नो बताया था, वो आपने पूरा ट्रांसलेशन क्यों नहीं बताया सर? टीजर था इसलिए, टीजर था तो सेंसेशन तो वही से बना रहा है। आप एक बार बता, फिल्म का स्निपेट्स होते हैं टीजर, पूरी चीजें अगर मैं उसी में दिखा दूंगा तो फिल्म में दिखा दूंगा। और दूसरी बात, एक मैं आपको चीज कंफर्म करना चाहता हूँ, मैं टीजर पे वैसे बात नहीं करना चाहता क्योंकि सारी चीजें हो चुकी हैं। नहीं, एक कंफ्यूजन इधर ये है कि हाई कोर्ट ने नहीं बोला लाइन हटाने के लिए, ये हम लोग पहले हटा चुके थे। ये गलत फहमी है मीडिया के अंदर कि हाई कोर्ट ने बोला फिर हमने, हम पहले हटा चुके थे। दूसरी बात ये है, ये बात अगर किसी धर्म, ये कहानी है, अगर हिंदू में बात होती, मुस्लिम छोड़ दीजिए, तो तब आप लोग ये क्वेश्चन करते क्या पहले हिंदू जो फिल्में बनी है उसमें पंडित जी कत्ल कर रहे हैं किसी का, कोई रेप का सीन हो रहा है, जब ये सब बातें तब क्यों नहीं आई? बराबर, आप संजय लीला बंसाली की बात मत करो, आप चीजें हुई है ऐसे नहीं हुई है कभी हिंदू धर्म को ऐसा गिरा कर नहीं बात। अरे पहले तो हिंदू, पहले बहुत सारे ठाकुरों पे भी फिल्म बनी है, आप देखिए उठाकर, अब ठाकुर समाज भी जाके बोलते हैं, अब सैकड़ों फिल्में उसमें बनी है पहले के टाइम।